नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम ताज़ा समाचार में आप सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान मौसम से जुड़ी इस चैनल पर बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। आपको बता दें, राजस्थान में 10 दिन के ब्रेक के बाद हाडोती क्षेत्र में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। शुक्रवार मध्य रात्रि बाद कोटा व बारा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जमकर बरसात हुई है। मानसून की एक्टिविटी फिर से शुरू होने के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के लोग गर्मी से परेशान हैं। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, फलौदी में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बारिश से हवा में ठंडक घुली हुई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पूर्वी राजस्थान के 10 से ज़्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। पिछले 24 घंटों का रिकॉर्ड देखें तो उदयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा पानी सवाई माधोपुर के सिवाड़ एरिया के पास ढील क्षेत्र में 53 mm बरसा। वहीं चौथ का बरवाड़ा में 27, सिरोही के माउंट आबू में 21, टोंक के अलीगढ़ में 22, गलवा डैम में 17, उदयपुर के गोगुंदा में 28, झाडोल में 22, कोटा के गांधी सागर में 34, कानवास में 28, खातोली में 23, पीपलला में 22, सांगोद में 21, झालावाड़ के डग में 18, चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में 28, डूंगरपुर के गालियाकोट में 22, सागवाड़ा में 18 और बांसवाड़ा के दानपुर में 42 तथा कुशलगढ़ में 41 और सज्जनगढ़ में 27 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के दूसरे छोर पश्चिमी राजस्थान में लोग गर्मी और तपिश से परेशान हैं। बीकानेर, चूरू, फलौदी, गंगानगर में दिन में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। इसी तरह जैसलमेर, जोधपुर के कुछ हिस्सों, बाड़मेर और जालौर में भी गर्मी बढ़ गई है और यहां पर मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि 4 दिन बाद झमाझम बारिश आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। वर्तमान में पूर्वी राजस्थान के ऊपर चक्रवातीय गतिविधि है, इसके कारण 24 अगस्त तक भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं कहीं 2 से 2.5 इंच तक बारिश हो सकती है, यानी कि इसे हम झमाझम बारिश भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान मौसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जो भी जानकारी आती है वही हमारे चैनल पर आपको बताई जाती है। धन्यवाद।